किसान भाइयों, कैसे हो आप सब। देखिए, आज मैं आ चुका हूं डिस्ट्रिक्ट संभल के अंदर, क्योंकि समय बहुत करीब है धान का जो कुछ समय के बाद हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी, और हार्वेस्टिंग के बाद जो होता है धान में बहुत सारा कूड़ा करकट रह जाता है, और कूड़ा करकट की वजह से मंडी में जब वो जाता है तो वो भाव भी नहीं मिल पाता जो कि किसान को एक मिलना चाहिए। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ छलने बनाए गए हैं, जो कि मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर ये देखिए धान का छलना है जो कि यहाँ पे बिल्कुल रेडी होकर खड़ा हुआ है, और इसको हम पूरा रिव्यू करेंगे, और जो कंपनी के ओनर है उनसे भी बात करेंगे, या जो जिसने बनाया उनसे भी बात करेंगे कि भाई किस बात को ध्यान में रख के ये बनाया है, और क्या क्या खास बात है, क्यों इसको प्रेफर करना चाहिए, और जो बना रहे हैं लोग उसके छलने में इनके छलने में क्या डिफरेंस है, सारी बात उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप धान की छलना लेना चाहते हैं और चाहते कि बढ़िया छलना मिले जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना तभी जा करके छलना लेना। तो शुरू करते हैं और मिलाते हैं उन भाई से जो कि इस छलने के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और उन्होंने बनाया भी है। उससे पहले जो कंपनी के ही एक व्यक्ति है उनसे उनका पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, कहाँ पर कंपनी है, किसान भाई को कैसे पहुँचना है और कहाँ आना है। तो सर, सबसे पहले किसान भाइयों से आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपनी कंपनी के बारे में कि कहाँ कैसे आना है और कहाँ आपकी ये फर्म है। मेरा नाम अरीब है जी, मैं डीलक्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में काम करता हूँ जी जी, और ये जो कंपनी है ये संभल में चंदोसी रोड पर है, पार्क के सामने, डीलक्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग जो है 22 इक्विपमेंट्स में डील करते हैं, होलसेल और रिटेल दोनों का अपना काम है। धान चलना, रोटावेटर और थ्रेशर, गेहूं थ्रेशर, धान थ्रेशर, हैरो, कल्टीवेटर, पैडी स्ट्रेनर, सब चीज में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सारे प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें एक प्रोडक्ट हमारा ये है जो कि अभी सीजन आ रहा है इसका जी, धान का जी, ये धान को साफ करने के लिए यूज में आता है। अच्छा जी, तो अब जो मैं थोड़ी सी जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि छलने और भी कंपनियां बना रही है, बहुत सारे लोग बना रहे हैं, आपके छलने में और उनके छलने में क्या डिफरेंस है, और कम जो किसान भाई अगर छलना लेना चाहते हैं तो डीलक्स का ही क्यों प्रेफर करें, क्या खास बात है, कुछ दो चार खास बातें किसान भाइयों को बताइए आपके छलने। देखिए, कंपनियां तो बहुत बना रही है ना जी, जी जी, हमारी कंपनी भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, हर चीज में डिफरेंस होता है। हम अच्छा। लोग क्वालिटी भी देते हैं एज वेल एज स्टिकर की क्वालिटी भी है, अपना जो है धान साफ करने की भी क्वालिटी है। अच्छा अच्छा जी, तो जैसे क्या कुछ खास बात है इसमें, देखिए एक तो 16 गेज की 14 गेज की चादर का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, ये जो चादर है, हाँ, ये इसमें जो शीट लगी हुई है जी वो 14 गेज की शीट लगी हुई है। अच्छा, ठीक है, इसके साथ एक धान एक चलना एक्स्ट्रा दिया जाता। अच्छा, अगर मान लो अगर गीला धान है तो चलना दूसरा लगा लीजिए, सूखा धान है तो चलना दूसरा लगा लीजिए। अच्छा जी, और सीजन की इसकी पूरी गारंटी रहती है, धान साफ करने की पूरी गारंटी रहती है। अच्छा, और किसान को जैसे भी लेना हो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फैक्ट्री पे विजिट कर सकते हैं। अच्छा, ये संभल में चंदोसी रोड के पास जो पार्क है, गवर्नमेंट पार्क, अच्छा, उसके बिल्कुल अपोजिट में ये फैक्ट्री है, डीलक्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा अच्छा जी, तो ये बाकी मैन्युफैक्चरिंग है जो भैया बना रहे हैं उनसे बात करेंगे किसान भाइयों। अभी इन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया है कंपनी का और एक दो खास बातें बता दी, बाकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है अंदर की बातें हम जो मैकेनिक है यहाँ पर जो बना रहे हैं और इसको अंदर से जानते हैं कि क्या खास बात है इस छलने में, वो उनको सर को बुलाते हैं, थोड़ा सा उनसे भी इसके बारे में पूछते कि क्या क्या उनको बातें ध्यान रखी है छलना बनाते समय। तो सर इधर आइए जरा। तो सर देखिए, ये है जो इसको स्पेशली छलना इन्होंने बनाया है और मैकेनिक है वो यहाँ पर इस कंपनी में, तो सर बताइए इस छलने में क्या क्या खास बातें ध्यान रखी है आपने एक छलना बनाते समय, जरा एक एक बात बता के चलिए जरा। यहाँ देखिए सर, सबसे पहली खास बात तो इसमें ये है जी, जैसे कि आप छलना चला रहे हैं, अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रेशर कम है, मान लो कम उड़ा रहा, अभी भी थोड़ा गंदा आ रहा है, तो आप इसको ढीला करके अच्छा थोड़ा आप इसको ऊपर ले लेंगे। अच्छा, हवा के लिए? जी हाँ, हवा का प्रेशर सर और ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, ट्रैक्टर आप का इतनी ही तेज चलेगा, तेल इतना ही खाएगा, लेकिन गेहूं धान जो है सॉरी साफ करने की क्वालिटी वो चार गुना और ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा जी। अच्छा, कई बार जैसे कि आपने देखा है कुछ छन्ने जो धान जो फेंकते हैं तो वो यहीं से कंट्रोल हो सकता है? नहीं, वो यहाँ से कंट्रोल होंगे सर। अच्छा, उधर दिखाइए, इधर आइए। जैसे सर आपका चलना चल रहा, अच्छा, वो पटास के साथ साथ कोई कोई दाना भी अगर फेंक रहा तो उसको आपको ये करना, ये अच्छा ये हवा है जी, ये दिखाइए थोड़ा, यहाँ से सर आप उसको दो नंबर कर देंगे, फेंकना बंद कर देगा। अच्छा, अगर उसके बाद भी आपकी स्पीड और ज्यादा हो रही है, ज्यादा फेंक रहा, तो आप तीन नंबर पे इसको टाइट कर देंगे, ये अच्छा, वहीं पर जाम हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये हवा को कंट्रोल करके अगर धान फेंका जा रहा है तो इसको थोड़ा ऊपर उठा लिया जाएगा
और जो धान हमारा बाहर जा रहा था वो बिल्कुल बाहर नहीं जा पाएगा, तो ये हवा से कंट्रोल हो जाएगा। जी, इसके जी, बाद में ये जो पंखे लगाए आपने उधर उधर थोड़ा सा बताइए क्या उसका फंक्शन है, और पंखे एक लगाए हैं दो हैं इसमें? नहीं नहीं सर, पंखे सर दो हैं इसमें। अच्छा, दो पंखों हैं, दोनों पंखों का काम सेम ही है। अच्छा जी, उसके बाद में अगर आपको दिक्कत आती है, जैसे कि कुछ लोग ट्राली पोर्ट नहीं कर पाते हैं, वो डायरेक्टली कट्टों पे जमीन पर लेते हैं माल, तो उसके लिए हमें करना, अगर हम इसको खोल कर भी चलाते हैं तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अक्सर कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनके पे ट्राली का इस्तेमाल। अच्छा, तो यहाँ नीचे से भी? जी हाँ, आप यहाँ से 4 वोल्ट खोलेंगे। अच्छा, यहाँ से सर आप इसको इसको एलिवेटर बोलते हैं हम। अच्छा, पूरा एलिवेटर हट जाएगा, इसको आप ऐसे ही खोल के निकाल देंगे। अच्छा, उस दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, अक्सर ऐसा होता है जो चलते में गांव में अक्सर ऐसा होता है कि दुकानें नहीं होती आसपास में मटेरियल की, वहाँ कभी अगर बेल्ट मान लीजिए टूट जाती है या ढीली हो जाती है, तो दूसरे चल्लों के मुकाबला हमने इसमें ये काम एक्स्ट्रा करके रखा है। अच्छा जी, अगर आपको बेल्ट अगर आप एक नंबर बड़ी भी मिल गई है छोटी भी मिल गई है, तो आप यहाँ इन बोल्टों से एडजस्ट करके उसको सही कर सकते हैं, अपना काम आप खुद सही कर सकते हैं, आपको इसमें मिस्त्री को हायर करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा जी, और बाकी इसमें बेल्ट वगैरह में क्या है, क्योंकि कई बार बेल्ट नहीं सर, दो बेल्ट इसमें दो यहाँ पर नहीं है, एक बेल्ट नहीं है, दो बेल्ट डाल रखे हैं, कपलिंग के साथ भी दो ही बेल्ट डाल रखी है हमने। अच्छा जी, अंदर पंखे पे भी हमने दो ही बेल्ट, हर जगह सर हमारी दो बेल्ट मिलेंगी आपको। अच्छा, भारी कपलिंग मिलेगी, मोटे ग्रुप बारीक ग्रुप जैसा आप चाहें वैसा मिल जाएगा। अच्छा, ये तो बात हो गई इसकी, अब बात करते हैं चादर की। जी, थोड़ा सा यहाँ पे पिछली बार क्योंकि एक दो छल्ले गए थे हमारे, नाम नहीं लेंगे हम किसी जी, 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 का, लेकिन वो परेशान हुए, खास करके उनका ये जो है ये बेल्टिंग कामयाब नहीं था उसका। जी सर, तो आपने बेल्टिंग को लेकर क्या है? मतलब शिकायत आती किसान भाइयों की, भैया बेल्टिंग बहुत जल्दी छूट जाता है इनका। सर हमने ये जो समस्या है सारी आपकी इस चीज को देखते हुए सारी खत्म कर दी है। अच्छा, बाई चांस अगर चलने में कोई दिक्कत आती है, आपको अगर जाली भी चेंज करनी है, तो आपको मिस्त्री का कोई काम नहीं है बिल्कुल, आप ये केवल 4 वोल्ट खोलेंगे, पूरी जाली आप ऐसे ही निकाल के अलग से रख लेंगे, 3 सूत भी और 4 सूत भी, इसमें मिस्त्री के नहीं है कोई काम नहीं छोड़ा आपने। अच्छा, क्या आपका मिस्त्री आएगा, जब वो आएगा तब आपका मशीन चलेगा, कोई नहीं, 4 वोल्ट खोलेंगे आप और खुद बखुद आप उसको चेंज कर लेंगे हाथों हाथ, 5 मिनट में आपका मशीन फिर चालू। अच्छा जी, मिस्त्री के लिए कोई काम नहीं छोड़ रखा, और उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मिस्त्री की हमें जरूरत है तो आना है, तो आप कंपनी के दिए हुए नंबर पे एक बार कॉल करेंगे, मिस्त्री आपके पास वहीं पहुंचेगा, जिस जगह तो पर भी किसान भाई अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो फिर मैकेनिक आपके खेत तक पहुंचेगा बिल्कुल। आपने टायर के बारे में बताइए, टायर क्या? टायर सर देखिए, ये 6/16 का टायर है। अच्छा, ऐसा नहीं है जैसे कि अक्सर लोग मार्केट में ऐसा करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, जैसे कि पुराने टायर साइड लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, टायर भी नया मिलेगा आपको, रिम भी नया, धुरा भी नया। अच्छा, हर चीज की गारंटी है सर पूरी। अच्छा, तो किसान भाई देखिए, ये तो है टायर वाली, अगर कुछ किसान भाई इसको एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो टायर के यहाँ पे बहुत सारे मॉडल रखे हुए हैं साथ में, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग में और लगभग पेंट का ही काम थोड़ा सा बचा हुआ है, यहाँ पर ये आपको बिना टायर की मिल जाएगी, कुछ जो पैसे का डिफरेंस रहेगा इसमें, तो टायर वाली भी एफर्ट कर सकते हो, और नहीं तो बिना टायर वाली भी अपनी सुविधा अनुसार इसको ले सकते हैं। तो ये हमने इस छल्ला दिखाया, साथ में ये एक मॉडल और खड़ा देखिए साइड में, ये भी देखिए है, इसमें भी लगभग मैन्युफैक्चरिंग तो सेम ही है या डिफरेंस है? कुछ अंतर है इसमें उसमें? कोई इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं, सब सेम ही है बिल्कुल। अच्छा, इसमें टायर का डिफरेंस? जी हाँ, ये छोटे टायर का कहलाता है, ये बड़े टायर का, उसमें इसमें थोड़ा रेटों में डिफरेंस है। अच्छा, वो जैसे डील करना चाहेंगे आप वैसे। अच्छा अच्छा जी, तो ये हुई, और कोई खास बात जो आप अपने छलने के बारे में बता सकते हैं किसान भाइयों को? खास बात ये सर कि जितनी भी चादर लग रही है, हम सारी चादर 14 गेज लगाते हैं, अक्सर मार्केट में मैं नाम नहीं लूंगा उनका, कुछ 18 गेज भी लगाते हैं, कुछ 16 भी लगाते हैं, लेकिन हम टोटल सारा माल 14 गेज में लगाते हैं, जिसमें 4 इंची हम चैनल लगाते हैं सर। अच्छा अच्छा, देख सकते हैं आप, हाँ ये दिखाइए जी, 4 इंची चैनल लगाते हैं, 2.5 इंची फ्रेम में एंगल लगाते हैं, ये भी 2.5 देखिए, यहाँ पर लोग अक्सर लोग क्या करते हैं, एक बैरिंग लगाते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर भी बैरिंग डबल लगाते हैं, तो मजबूती का काफी ख्याल रखा गया। जी जी, मजबूती का ख्याल रखते हुए किसान भाइयों से हर एक चीज की सुविधा देखते हुए हमने जब इसको मैन्युफैक्चर करा है। अच्छा, गारंटी और वारंटी की क्या सुविधा है? जैसे गारंटी और वारंटी अरीफ भाई बताएंगे आप, तो सर इधर आइए थोड़ा। तो गारंटी वारंटी के बारे में इसकी सर 1 साल की गारंटी रहती है और 1 साल की वारंटी है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की भी 1 साल की वारंटी रहेगी और 1 साल की पूरी गारंटी रहेगी, किसान को कहीं भी आने की जरूरत नहीं है, अपने घर से ही कॉल कर सकता है कंपनी के दिए हुए नंबर पर। अच्छा, जब वो कॉल करेगा तो अगर वो मॉर्निंग में कॉल करता है तो सेम डे पर्सन उनके पास पहुंचेगा,
अगर इवनिंग में कॉल करता है तो नेक्स्ट डे बंदा उनके पास पहुंचेगा। अच्छा, तो ये हो गई इस गारंटी और वारंटी की। सब्सिडी वगैरह की कोई सुविधा होती है इसका? सब्सिडी सर पैडी स्ट्रेनर पे गवर्नमेंट सब्सिडी तो देती नहीं है। अच्छा, बाकी और जो इक्विपमेंट है हमारे और सब पे और बाकी जो प्रोडक्ट है जितने भी प्रोडक्ट वगैरह और कल्टीवेटर पर, रोटावेटर पर, थ्रेशर पर और हैरो पर सब पे सब्सिडी है 45%। अच्छा अच्छा, तो लास्ट में जो किसान भाइयों का सबसे ज्यादा प्रश्न रहता है कि इसका प्राइस क्या रहने वाला, लमसम में आप बता सकते हो कि प्राइस? सर मैं ये इतना अफोर्ड कर सकता हूँ किसानों के लिए कि उन्हें बहुत मुनासिब दामों पर मैं ये धान चलना दे सकता हूँ। अच्छा जी, तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि ये वाला लगभग मैं अगर लमसम इसकी जो प्राइस रहेगी सर वो रहेगी 60,000। ये बिना टायर वाले की? बिना टायर वाले की। अच्छा, इसकी जो रहेगी 70-71 रहेगी। अच्छा 70-71। तो किसान भाई डिपेंड आप पे करता है कि आपको टायर वाला लेना है या बिना टायर वाला लेना है। दोनों पूरी प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड कराएंगे, बस उसका जो एक्सपेंस आएगा वो कस्टमर को ही देना पड़ेगा। अच्छा, तो किसान भाई को जाते वक्त थोड़ा सा ये और बताइए कि कुछ जो आसपास के लोग हैं वो तो यहाँ आ जाएंगे जी, और जैसे किसी और दूसरे जिले का है या फिर दूसरे राज्य का है और वो हमारी वीडियो देख करके अगर आपसे संपर्क करता है दिए हुए नंबरों पे और वो यहाँ नहीं आना चाहता तो उसके लिए क्या सुविधा है, ट्रांसपोर्ट वगैरह वहाँ पहुँचवा सकते हैं? पूरा प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, जो भी हमें अगर बाहर से भी कॉल करता है तो हम उसको पूरा प्रोवाइड करा के देते हैं, ट्रांसपोर्ट अपने पास अवेलेबल है। अच्छा, वो हमें कॉल करेगा। अच्छा, कॉल करेगा, कॉल करेगा, जैसे ही उसकी कॉल आती है हम उससे डील फाइनल करके उसको जो है मिनिमम कितना पे करना पड़ेगा उसको, जैसे बुक करता है वो? अगर मिनिमम सर 50% तो पे करना पड़ेगा। अच्छा, 50% अगर पे करते हो किसान भाइयों, अगर कहीं बाहर से आप अगर देख रहे हैं इस वीडियो को और आपको चलना पसंद आता है तो इनसे कॉल पर डिस्कस करके अपना जो मिनिमम पेमेंट है वो पेमेंट इनके दिए गए करंट अकाउंट में डालने के बाद में ये आपको ट्रांसपोर्ट की सहायता से वहां पर पहुंचा दिया जाएगा। तो किसान भाइयों ये चलना था जो कि अभी देखिए इधर को भी थोड़ा सा दिखा दो, यहाँ पर ये सारे मैन्युफैक्चरिंग लाइन में है, ज़्यादातर रेडी हो चुके हैं अब तक और ये बाकी जो हमने यहाँ पर दिखाए और बाकी इधर भी यूनिट बिल्कुल काम कर रही है, काफ़ी बड़ी मात्रा आप यहाँ पर छलने तैयार किए जाते हैं। आपको देखना है कि भैया कौन सा लेना है, किस कंपनी का लेना है और कौन सा पसंद आ रहा है, तो उसी चीज़ों को ध्यान में रख करके इसको करें। और कोई ख़ास बात जो इनके बारे में बताना चाहते हो, एक दो बातें जो इसके बारे में? सर वो तो जो मैं खास बात बतानी थी वो तो हमारे जो मैकेनिक है उन लोग उन्होंने बता दी है, बाकी तो किसान जो है चलाने के बाद ही इसको देखेगा कि क्या चीज है। अच्छा जी, तो और दूसरी बात, एक साल में तो लगभग फ्री हो ही जाता होगा अगर? बिल्कुल फ्री हो जाता है सर, एक साल में फ्री क्या, किसान जो लेता देखो 60,000-70,000 की जो वो पेमेंट लगा रहा है किसी चीज में तो वो इनकम के लिए ही लगा रहा है। जी जी, अगर उसके इनकम ना हो तो फिर बेकार है। हमने जो ये अपना प्रोडक्ट तैयार करा है ये इसीलिए तैयार करा कि किसान जो है एक ही सीजन में अपना जो इन्वेस्ट उसने करा है इसमें 60,000-70,000 जो भी है वो निकाल के और अपना कुछ अमाउंट जो उसने इतनी मेहनत करी है उसका भी अपना खर्चा पानी निकाल सकता। अच्छा अच्छा, एक सीजन में ही। अच्छा, तो किसान भाई ये थी छलने के बारे में बात। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ा सा भी अगर लगता है कि छलना हमें लेना है तो इस वीडियो को जरूर देख लें और जो किसान भाई अगर लेना चाहते हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर दें और खुद काफी सोच समझ करके ही अपना छलना खरीदें, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हमने भी काफी प्रोडक्ट खरीदे हैं यहाँ से। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे और अगर और भी काफी इक्विपमेंट यहाँ पे बनते हैं, हैरो, रोटावेटर, गेहूं निकालने का थ्रेसर, काफी मशीनरी यहाँ पर बनाई जाती है। इसके अलावा भी आपको अगर कोई डिमांड है तो वहाँ भी हम एक नंबर देंगे, उस पर कॉल करके पूछताछ कर सकते हैं। तो किसान भाई वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।